हेलो वन मनी दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, अभिषेक बच्चन और यामी गौतम, उनकी फिल्म का ट्रेलर, नाम है पिक्चर का 10वीं, आज रिलीज हुआ है। और हमारे साथ में हमारे मुंबई के टू इडियट्स बॉलीवुड प्रेमी। आपने देखा है वो 10वीं का ट्रेलर? मैडॉक की पिक्चर है, कैसा लगा? ट्रेलर देखने जाओगे तो ठीक ठाक बोल सकते हैं, ऐसा कॉमेडी टच उन्होंने बहुत अच्छा दिया है और एक चीज़ पे भेज दे जो सीएम जो एक पॉलिटिकली इसमें उतरना चाहता है लेकिन उसके पास कंप्लीट स्टडी नहीं रहता, इलिटरेट रहता है, सिर्फ उसने 8 तक पास किया रहता है, उसको 10वीं करना रहता है, तो कितने सारे प्रॉब्लम्स उसके बीच में आते हैं और वो कैसे क्या करता है उसके ऊपर पिक्चर है, और उसके साथ में कितने ट्रेजिक होते हैं वो सब में उसमें बहुत अच्छा कॉमेडी दिखाने वाले वो लोग। okay. और यामी गौतम की बात करें वो तो फेयर एंड लवली के ऐड से लेके अभी तक बहुत पसंद है भाई सबको। okay, अभी भी लवली है क्या? अभी भी लवली ही लवली है भाई वो, और क्या ही बोले। और मैं तो चाहता हूँ ये पिक्चर चले करके, क्योंकि बहुत टाइम के बाद बच्चन साहब जी के सन आए हैं, तो एक ही रिक्वेस्ट या बोल सकते दिल की इच्छा रहेगी कि ये भी पिक्चर चले और हिट होए। ओके, नेटफ्लिक्स पे आने वाली है पिक्चर। हाँ हाँ, चलनी चाहिए ना, भले किस पे भी आवे, पब्लिक देखे तो सही। ओके, क्योंकि क्या है, पब्लिक को एंटरटेन चाहिए, तो मेरे को लग रहा है ये एंटरटेनमेंट बॉक्स है। ओके, और पब्लिक एंटरटेन्ड होएगी। ओके, हमारे फर्स्ट वीडियो को लग रहा है एंटरटेनमेंट बॉक्स बनाया है सर जी। 10वीं स्टारिंग अभिषेक बच्चन। सेकेंड को पूछूंगा समृद्ध, कैसा लगा ट्रेलर? मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत पसंद आया। और अभिषेक जूनियर बच्चन, सब लोग उनको जूनियर बच्चन बोलते हैं। यस, जूनियर बच्चन एज यूजुअली टेरिफिक, मतलब ही डिजर्व मोर रिस्पेक्ट, लेकिन उनको रिस्पेक्ट मिलती नहीं है क्योंकि बहुत जन अभी नेपोटिज्म को हम सब लोग गाली दे रहे हैं, जिसमें से मैं भी हूँ। लेकिन सच बताओ तो ये नेपोटिज्म पे गिनती नहीं होती अभिषेक बच्चन की। okay. क्योंकि अभिषेक बच्चन की बहुत ऐसे चुनिंदा फिल्म है ना कि उनकी फिल्म सुपर हिट डुपर हिट ब्लॉकबस्टर गई। जैसे बहुत एग्जांपल्स हैं उनके, जैसे बंटी और बबली के सीरीज हो या तो धूम के सीरीज हो, हर वक्त वो छाए गए। लेकिन उनकी एक फिल्म में वो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड थी, वो है मनमर्जिया। वो किसी को वो फिल्म ज़्यादा पसंद आई कि नहीं आई डोंट नो, वो फिल्म डिजास्टर साबित हुई बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन अनुराग कश्यप की बनाई थी। लेकिन मनमर्जिया के बाद मुझे ये परफॉर्मेंस दमदार लगा उनका, मतलब उनका जो एक हरियाणी वाला एक्सेंट बोलते हैं ना, हरियाणी एक्सेंट, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं ना मन ने तूने, ऐसे एक एक्सेंट रहता है ना वो जहाज, वो अच्छा लगा मुझे। और खर्चा दिख रहा है लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट है। ओहो, क्या डिसअपॉइंटमेंट है हमारे सेकंड इडियट? पहली बार डिसअपॉइंटमेंट ये है कि ये फिल्म थिएटर के लिए ओटीटी के लिए नहीं है। तो भी ओटीटी रिलीज हो रही है, फिर भी ओटीटी रिलीज हो रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है दिनेश विजन की, ये सेकंड टाइम उनकी गलती, क्योंकि लास्ट फिल्म उनकी मीवी, वो दिनेश विजन की फिल्म थी मीवी, वो इतनी अच्छी फिल्म थी, वो थिएटर पे रिलीज़ क्यों की? मानता हूँ वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी और कृति सेनन, वो बात की बात है, लेकिन ये भी फिल्म एक ऐसे एक सीख है, एक नॉलेज है, एक बोलते ना एक स्टोरी रहेगी कि एक्चुअल अपने जो हिंदुस्तान में वो जो लोग पॉलिटिक्स है उन लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। ओके, ओके। क्योंकि ये जो अनपढ़ गंवार लोग पॉलिटिक्स है वो मुँह पे बोलता हो, जो लगा तो लगा, जो लोग वो गंदे पॉलिटिक्स खेलते हैं वो लोग ये फिल्म देखनी चाहिए। बहुत एग्जांपल मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो पॉलिटिक्स में जो गंदे काम करते हैं वो लोग ये फिल्म देखना चाहिए, बहुत ऑडियंस का मालूम नहीं। लेकिन अभिषेक बच्चन ने स्क्रिप्ट अभी सोच समझ के चूज कर रहे हैं बॉस, और मुझे ये श्योर शॉट लग रहा है कि ये फिल्म धमाका करेगी नेटफ्लिक्स। 10वीं नाम है पिक्चर का, और यहाँ पे दिखाया है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो 10वीं पास करने का देखते हैं, तो कितना अपील कर सकता है ये ऑडियंस? देखो, अपील करने का बात नहीं, क्योंकि देखो जहाँ पर पॉलिटिक्स आता है ना, तो वहाँ पे आप एक बार पावर में आ गए तो आपको ये नहीं फर्क पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हो या फिर आपके पास कितना पैसा, कुछ नहीं। आप एक बार कुर्सी आपकी पावर में, यू आर द राइट, जो तुम चाहो वो कर सकते हो। हाँ, पूछने वाले बहुत कम रहते, आवाज़ उठाने वाले कम रहते, तो इसमें ये एक जो तरीका दिखाया है वो बहुत कॉमेडी सीन्स टाइप में दिखाया है, तो वही देखना है कि एक आदमी वो लेवल तक पहुँचने तक कितना मेहनत करता है और कितने सारे ट्रेजिक होती है। okay. और वो सब होने में जो मज़ा आने वाला ना देखने के लिए, वो तो नेक्स्ट लेवल ही होएगा, और तो मज़ा ही आने और वाला। पहली बात है ना, पहली बात दिनेश विजन के बारे में दाद देना चाहूँगा कि ऐसी स्क्रिप्ट वो लाए, हम लोग जब तक ऑडियंस जिंदा है तब तक दिनेश विजन ये कॉन्सेप्ट लाए, ऐसे टाइप के, मतलब एक अलग कॉन्सेप्ट लाए। उन्होंने जब स्त्री बनाई थी, अरे वॉज अ ब्लॉक बस्टर फिल्म रे, उसके बाद मीवी बनाया, इट वॉज अ श्योर शॉट ब्लॉक बस्टर। उसके बाद ये आ रही है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है एटलीस्ट सुपर हिट तो होनी चाहिए, क्योंकि जूनियर बच्चन वो डिजर्व करते हैं यार। मैं वो नेपोटिज्म पे, मैं पर्सनली उनको गिनती नहीं करता नेपोटिज्म पे,
उनके पास टैलेंट है लेकिन स्क्रिप्ट नहीं आ रही अच्छी. अभी ये तुषार जलोट आई गेस उनके डायरेक्टर का नाम है, वो शायद उन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा होगा, लेकिन एक ही है कि ये फिल्म थिएटर के लिए चाहिए थी, ओटीटी के लिए चाहिए नहीं थी. मैं इतना ही बोलूंगा. हमारे मुंबई के एडिट्स बोल रहे हैं कि पिक्चर थिएटर में लगानी चाहिए थी, ओटीटी पे नहीं. जाते जाते पूछूंगा आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे. मैं दूंगा 5 out of 4. ओके, 4 out of 5. मैं 4 out of 5 दूंगा ये ट्रेलर के, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया. मुझे मतलब एज एन एक एक्सेंट, वो जो एक खर्चा दिखा है वो सोच समझ के दिखा है. मेरे को लगता है निम्रता कौर और यामी गौतम, फेयर एंड लवली वाली निम्रत कौर और वो अच्छी लगेगी मुझे. अच्छे लगेंगे. मैं पूछूंगा हमारे फर्स्ट एडिट गोलू को कितने स्टार देंगे आउट ऑफ 5 दसवीं के ट्रेलर. 3.5 दिया है. ओके ओके. अगर देखो पिक्चर, यस, अगर पिक्चर हिट भी नहीं हुई, ब्लॉकबस्टर भी नहीं हुई, तो एक कम से कम एवरेज पिक्चर रहेगी वन टाइम वॉच के लिए. हाँ, और कुछ ना कुछ सीख देके जाएगी, तो इतना तो देना बनता है. यस यस, भी दे सकती है, फैमिली एंटरटेनर लग रही है. ट्रेलर देख के कह रहे हैं हमारे मुंबई के टू इडियट्स, ट्रेलर अच्छा लगा उनको, उन्होंने रेटिंग दिया. अब देखते हैं फिल्म कैसी लगती है. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.